इस तरह की शॉल तो आप सबके पास होंगे ही होंगे, और अगर ये बहुत पुराने हो जाए तो शॉल हो या इस तरह के स्टोल हो, आप उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इस बार इस विंटर में। बहुत सिंपल सा है आइडिया, अगर आपके पास मशीन है तो मशीन यूज़ करिए, अगर मशीन नहीं है तो आप सिर्फ सुई धागे से ही इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब सिर्फ सुई धागे से इसको बना लीजिए बिना किसी झंझट के। तो मेरी जो शॉल है ये बहुत चौड़ी नहीं है, इसे आप स्टोल भी कह सकते हैं, वुलन है पूरी, और इसमें दोनों साइड प्रिंट है, तो एक साइड डार्क है एक साइड लाइट है, तो मैं डार्क वाले पोर्शन को फ्रंट में रखूंगी ताकि ये और अच्छा लगे, और पूरे विंटर आप इसे यूज़ कर सकते हो। और इसका बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, आप सबसे पहले अपनी स्टोल को इस तरीके से पूरा खोल लीजिए, जितना ये लंबा है उतना, जितना चौड़ा है उतना फुल इसको यूज़ करेंगे, वो भी इसमें बिना कुछ कट करें, कोई कटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंडीशन में है सब चलेगा। अब मैंने यहाँ पे लिया एक पुरानी बेडशीट, अगर आपके पास बेडशीट है तो बेडशीट यूज़ करिए, या फिर कोई दुपट्टा है पुराना कॉटन का तो आप उसको यूज़ करिए। आप शॉल का वो हिस्सा जो आपको चाहिए उसको पलट दीजिए, ठीक है, तो मुझे डार्क हिस्सा चाहिए तो मैंने इसको पलट दिया, और इसके ऊपर मैं बेडशीट को फोल्ड करके इसके बराबर कर लूँगी, क्योंकि बेडशीट तो चौड़ी होती है, तो इसी के साइज़ के बराबर मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, और इसको भी फ्रंट में, मतलब इसका प्रिंट ऊपर ही आए ताकि ये दोनों साइड से यूज़ कर सके और देखने में भी बहुत अच्छा लगे। बहुत सिंपल ट्रिक है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिंपल मैंने शॉल लिया और एक बेडशीट ली और इसको इस तरीके से इसके बराबर ही सेट कर लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने पूरा सेट कर दिया, बहुत सिंपल है, इसको मुझे लगता है हर कोई बना सकता है इस विंटर में, और हम सबके पास शॉल होती है, निकलती ही है, तो अगर आपके पास भी पुरानी शॉल हो स्टोल हो तो ये आइडिया ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है, आपको कुछ भी टेक्निकल या कुछ भी कट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंपल अपनी शॉल ली उसके बाद एक दुपट्टा या फिर कोई भी पुरानी बेडशीट रखी। अब अगर आपके पास मशीन है तो मशीन ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि झटपट दो ही मिनटों में पूरा काम हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सुई धागे से इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए इसको फोल्ड कैसे करेंगे, कपड़ा जो हमने ऊपर रखा है बेडशीट का उसको थोड़ा सा अंदर की ओर कर दीजिए ताकि वो फ्रंट में दिखे भी ना, बस हल्का सा आपको बस ऐसे फोल्ड करना है, और बस इसमें टाके लगा लीजिए, रनिंग स्टिच कर लीजिए या फिर हेमिंग कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये मजबूती से पूरा टक जाएगा और ये बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसमें कुछ भी कपड़ा नहीं लगा रही हूँ, मैं इसमें कोई फोम भी नहीं लगा रही हूँ, ये ना, अगर आपको थोड़ा सा इसमें थिकनेस देनी है तो फिर आप कपड़े के छोटे छोटे पीसेस भी लगा सकते हैं या फिर फाइबर शीट भी लगा सकते हैं, तो अगर फाइबर शीट लगाएंगे तो आपका एक पूरा क्विल्ट रेडी हो जाएगा इस विंटर में, और अगर कपड़े लगाएंगे तो आपका पूरा एक मैट्रेस रेडी हो जाएगा। तो दो आइडिया तो आपके ऐसे ही रेडी हो गए बिना कुछ करे, लेकिन अगर आप इसको सिंपल ऐसे ही रखेंगे तो ये बहुत ही प्यारा सा रग रेडी हो जाएगा सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो मैं इसको फटाफट कर लेती हूँ कंप्लीट। ये देखिए कहीं से भी धागा भी नहीं दिख रहा है और एकदम बढ़िया स्मूथ तरीके से इसमें पूरा स्टिच हो जाता है। तो इसको कर लेती हूँ पूरा कंप्लीट, फिर दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखिए सिंपल सा शॉल से पूरा रग रेडी है, कहीं से भी स्टिचिंग नहीं दिख रही है, कहीं से भी फोल्ड नहीं है, कहीं से कट भी नहीं है, और बिना किसी झंझट के एक बढ़िया सा खूबसूरत सा इस विंटर के लिए रग रेडी है। शॉल हम सब यूज़ करते हैं, जब पुराने हो जाते हैं तो आप इस तरीके से अपने बेड के पास इसको यूज़ कर सकते हैं, अपने सोफे के ऊपर इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे भी चाहें इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो बेड के कॉर्नर में भी इसको कर सकते हैं, एकदम रनर की तरह भी काम करेगा। विंटर्स है, इस विंटर में आप इसको
कई अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंपल इसको ऐसे ही स्टिच कर दिया, बीच में भी स्टिचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मोटा फैब्रिक है। फिर भी अगर आपको नीड लगती है तो आप एक दो स्टिचेस कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत सिंपल रखा है, सिर्फ चारों तरफ स्टिच करा है। और बाकी इसके जो टसल्स हैं ये इसमें नेचुरली एकदम रफ की तरह लग रहे हैं, तो ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बहुत प्यारा लगेगा। इसमें शॉल में जो प्रिंट है एकदम रफ की तरह ही लगता है, तो आप शॉल को ज़रूर यूज़ करिए इस तरीके से। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल आइडिया है, ठीक है। अब साड़ी को मैं बहुत अलग अलग तरीके से रीयूज़ करती हूँ, तो साड़ी को जब रीयूज़ करते हैं ना तो उसमें लेसेस भी बचती हैं, उसमें पैचेस भी बचते हैं, तो अब उन पैचेस को मैं यहाँ यूज़ करूँगी। तो ये है साड़ी से कुछ बचे हुए पैचेस, और अब इनको यूज़ करेंगे यहाँ पर। और इसमें ना इसको लगा करके इस पुराने शॉल में अपने आप जान आ जाएगी। चलिए दिखाते हैं कैसे। तो मैं इसके कॉर्नर में इसको यूज़ करूँगी और इसी तरीके से चारों कॉर्नर को फिल कर देंगे, तो एकदम ओरिजिनल और एकदम रियल और न्यू लुक लग जाएगा। देखिए शॉल है आपको पता है, लेकिन जब आप इसको अच्छे से सेट करेंगे ना तो एकदम आपका पूरा बढ़िया सा रख लगेगा, महंगा वाला। तो देखिए जहाँ जहाँ इसमें प्रिंट है, आप पूरी जगह तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं कहीं पर भी इसके कुछ प्रिंट के अकॉर्डिंग इसमें हम मैच कर देते हैं। तो मैं चारों कॉर्नर में लगाऊंगी और इस तरीके से सेंटर पे दो दो पैचेस को एडजस्ट कर देती हूँ। आप इसको टक कर लीजिए, ग्लू गन यूज़ कर सकते हैं या फिर मशीन भी इसमें चला लीजिए, आराम से ये स्टिच हो जाता है। और हाँ, शॉल को आयरन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मैंने आयरन नहीं करा इसलिए आपको कहीं कहीं पे रिंकल दिख रहे होंगे। आयरन कर लूँगी तो ये भी पूरा सेट हो जाएगा, तो आयरन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं कम्प्लीट, फिर भी कुछ कमी रह जाती है तो उसको भी फुलफिल करेंगे किसी और तरीके से। अब ये भी कुछ पैचेस हैं साड़ी के ही, देखती हूँ इसको लगा करके अच्छा लगेगा कि नहीं। तो पर्पल के साथ भी ब्लैक बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आपके पास हो तो ज़रूर यूज़ करिए। आपके पुराने से कपड़े में ना नई जान आ जाएगी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो ज़रूर यूज़ करिए। तो देखिए कितना सिंपल सा एक स्टोल से, एक शॉल से कितना प्यारा रख बन जाता है। तीन तरीके तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आप इसे क्विल्ट भी बना सकते हैं और आप इसे मैट्रेस भी बना सकते हैं, और रख तो मैंने इसको बनाया ही बनाया है। लेकिन अब जो चौथा तरीका है, चौथे तरीके में आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, शॉल अगर आपकी पुरानी हो जाती है तो आपने इसके पीछे जो कपड़ा लगाया है ना, इससे होगा क्या, इसमें एक तो इसको इसमें और भी गर्माहट आ जाएगी, मतलब डबल फैब्रिक हो जाएगा, तो अब आपका पूरा प्रॉपर शॉल की तरह काम आ जाएगा। अब इस शॉल को आप घर से बाहर तो नहीं पहन सकते, लेकिन जब आप काम करते हैं जैसे कि बर्तन धोना या फिर सुबह सुबह की मॉपिंग वगैरह, इस शॉल को यूज़ कर सकते हैं, तो आपके कपड़े भी नहीं गंदे होंगे और आप को ठंड भी नहीं लगेगी। आप इसको वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, और आपने जो पैचेस लगाए हैं तो उससे देखने में तो नया हो ही गया है। तो आप चौथा तरीका मेरा ये है, और इसके अलावा आप इसको बच्चों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको रैप करने में, उनके लिए बेडशीट बना करके इस तरीके से उनके बिस्तर के ऊपर एक प्रॉपर एक मैट्रेस की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चे के बिस्तर भी गर्म हो जाएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। तो ये टोटल थे 5 आइडिया, बहुत सिंपल है, बनाने का तरीका सिंपल एक ही है, बिना किसी कटिंग के, बिना किसी नाप के, बिना किसी मेजरमेंट के सिंपल सा बन जाता है सुई धागे की हेल्प से। तो कैसा लगा आज का आपको ये सिंपल सा आइडिया? अगर पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और इसे शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।